दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सभी फैंस जो कि मेरे चैनल पर कमेंट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि आखिर दया भाभी कब आएंगी, दया भाभी कब आएंगी, दिशा वकानी कब लौटेंगी शो में, तो गाइस यहाँ पर जो है एक बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा प्रूफ दिखाऊंगा कि आखिर हुआ क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दया भाभी का रोल करने वाली एक्ट्रेस दिशा वकानी ने फाइनली तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो छोड़ दिया है। और मैं ऐसे ही हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, मुझे पक्का प्रूफ मिला इस बात का। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वो प्रूफ दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये पूरी न्यूज़ अखबार में छपी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी अखबार नहीं पता मुझे कौन सी है, लेकिन यहाँ पर जो है ये फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। और चलो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इस न्यूज़ में लिखा क्या है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सबसे चहेती एक्ट्रेस दिशा वकानी ने फाइनली शो को अलविदा कह दिया है। करीब 1.5 साल से वो शो से दूर थी। दिशा माँ बनने के बाद से ही शो से दूर हो गई थी, लेकिन बीते साल उनके कमबैक की खबरें चर्चाओं में थी। निर्माता और चैनल ने उन्हें वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेकर्स ने उन्हें ज़्यादा पेमेंट भी ऑफर की थी। इसके बाद भी उन्होंने शो दोबारा ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। सुनने में आया है कि दिशा ने चैनल से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए कहा है। फाइनली प्रोड्यूसर आसित मोदी ने दिशा के बिना ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। वो जल्द ही शो में दो और किरदारों की भी एंट्री कराएंगे। तो गाइस, यहाँ पर जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ कोई वेबसाइट पर नहीं छपी बल्कि एक न्यूज़पेपर में छपी है। और एक न्यूज़पेपर में तभी कोई न्यूज़ पब्लिश करते हैं जब वो पूरी कंफर्म होती है। तो गाइस, अगर सच में ऐसा है तो ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा कि सच में ऐसा हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों अभी भी लग रहा है कि ये न्यूज़ फेक हो सकती है, लेकिन हाँ, ये न्यूज़पेपर में छपी है तो रियल हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बॉलीवुड टॉक चैनल पर अपडेट जरूर दे दूंगा। इसलिए अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। और दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हो। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।